स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जनपद फिरोजाबाद में कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया जन्म दिवस। इस दौरान MLC डॉक्टर दिलीप यादव द्वारा बताया गया कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया व उन्हें याद। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब लोगों के आदर्श हैं, इनसे हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वहीं कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मयंक भटनागर, देश दीपक यादव, पवन यादव, जगमोहन यादव, संजय मालिक आदि सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान और क्या कुछ कहना रहा MLC डॉक्टर दिलीप यादव के द्वारा, देखिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट SKH न्यूज। आज विवेकानंद जी की जयंती है, जयंती है और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में हर जिले में और हर विधानसभा में इस तरह के कार्यक्रम कर रही है। युवा गिरोह कार्यक्रम, उसके तहत विवेकानंद जी के सिद्धांत, उनकी नीति, उनके विचारों पर चलने का हम लोग काम कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अन्याय किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ अन्याय कर रही है, वो हम चाहते हैं पूरे वापस हों और इस तरह की घटना कतई न हो। छात्र देश का बिल्कुल भविष्य होता है और छात्र छात्राओं के साथ अन्याय इस समय जो किया जा रहा है, और छात्र संघ के चुनाव होते हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मूलभूत समस्या हैं, उसको उनसे वंचित रखा जा रहा है, वो सब लागू की जाए और जो अन्याय हो रहा है अन्याय को बंद किया जाए। समाजवादी पार्टी नौजवानों को, छात्रों के सभी के साथ है और इस अवसर पर, इस जयंती पर ये संकल्प लेती है हम समाजवादी पार्टी इनके विचारों पर चलने का काम करेगी और इन विचारों को, इनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम।